तो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश, स्वागत करता हूं आपका हमारी YouTube चैनल टेक्निकल सोकिल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा एक बैटरी चार्जर बनाना। जी हां दोस्तों, 12 वोल्ट की बैटरी चार्ज करना मैं आप लोगों को बताऊंगा, और ये बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट है और शानदार तरीके से इसमें बैटरी चार्ज होगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारी YouTube चैनल टेक्निकल सोकिल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा, अर्थात उसका जो मैसेज है आपके मोबाइल में आप लोगों को मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट आप लोगों को बताऊँगा, ये कॉलेज और स्कूलों में भी बहुत काम का होगा। तो चलिए, और हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत काम का है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक, जैसा कि आप देख होंगे मेरे हाथ में एक ट्रांसफार्मर है और ये 3 एम्पियर 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, 12012 का, ठीक है। आप भी इस प्रकार से ले सकते हैं, बहुत साधारण प्रोजेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ और अच्छा भी है, बस इसे थोड़ा समझना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए, एक ये हमने ट्रांसफार्मर लिया है, इसके अलावा ये मैंने 4 डायोड लिए हैं, ठीक है। ये 306 है, FR 306, इसमें आप चाहे तो 4007 भी ले सकते हैं। तो ये मोटे वाले डायोड मैंने यहाँ लिए हैं, बिल्कुल लॉन्ग टाइम चले ये जो चार्जर है बैटरी का, इसलिए मैंने इस प्रकार का लिया है। और इसके अलावा ये देखिए, कैपेसिटर मैंने लिया है 3300 माइक्रोफेरेड और 25 वोल्ट का, जैसा कि आप देख रहे हैं। ओके, इसके अलावा छोटी मोटी कोई चीज़ होगी तो मैं आपको बताता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्या कि यहाँ आपको 3 वायर दिखाई दे रहे होंगे, ब्लू, ग्रीन और ब्लू। तो इसके अंदर हमें सिर्फ 2 ही वायर लेने हैं, या तो ये बीच वाला कॉमन है तो हम या तो ये दोनों ले लेंगे या फिर ये दोनों ले लेंगे, ठीक है। तो हमें सिर्फ 12 जीरो का ही इस्तेमाल करना है इस वीडियो में, और एक वायर को हम जैसे यहाँ पर छुपा देंगे, हो सकता है कभी भविष्य में ये काम में आए, तो अब यदि हम कोई दूसरा प्रोजेक्ट बनाना चाहे तो। इसलिए मैं तो क्या है कि एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ फिर उसी से दूसरा बनाता रहता हूँ, तो इसलिए मैं इसको अभी यहीं पे चिपका देता हूँ। ओके, तो अब दोस्तों यहाँ पे आप देखिए ये 12 जीरो, ठीक है, यानी यहाँ ये 12 और ये 0। ओके, तो अब हम एक ब्रिज रेक्टिफायर बना लेंगे इससे, है ना। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये मैंने ब्रिज रेक्टिफायर बना लिया है। तो अब हमें करना क्या है कि इसमें ये जो आप 2 वायर देख रहे हैं, ग्रीन और ब्लू, एक हमें इस ब्रिज रेक्टिफायर के यहाँ पे इनपुट में देना है, यहाँ इस जगह, ठीक है। आप देख सकते हैं, और अब हमें यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है इसको जोड़ना है। अब जो कैपेसिटर है इसका जो माइनस वाला हिस्सा है वो हम यहाँ जोड़ेंगे, और प्लस वाला यहाँ इस प्रकार से हमें जोड़ना है, ठीक है। तो चलिए मैं जोड़ देता हूँ इसको। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मैंने इसको जोड़ दिया है कैपेसिटर को इस प्रकार से, बिल्कुल आसान है। इसके बाद में हम एक LED लेंगे इस प्रकार से, और उसके एक, ये देखिए यहाँ पे एक 1K की रेजिस्टेंस लगा के, उसके जो प्लस वाला हिस्सा है LED का उस पर 1K की रेजिस्टेंस लगा लेंगे, और इसके हमें ये जोड़ देना है ताकि जैसे ही ये ऑन होगा चार्ज करने के लिए तो ये लाइट जल जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें लाइट आ रही है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको भी जोड़ देता हूँ, ये इस प्रकार से जुड़ेगा दोस्तों यहाँ पे, ये देखिए ये कैपेसिटर का ये जो प्लस वाला हिस्सा है यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस के साथ ये LED का प्लस वाला हिस्सा, और ये जो माइनस का हिस्सा है ये वाला। तो दोस्तों ये देखिए, ये हमने LED को जोड़ लिया इस प्रकार से, है ना। अब दोस्तों ये देखिए, ये बैटरी को जोड़ने के लिए मैंने ये चिमटी नुमा ये वायर रिंग ली है, तो इसको हम इसके अटैच कर देंगे। आप भी इस प्रकार से जो कर ले सकते हैं कुछ भी,
वायर ले लीजिए चाहे तो, आपको भी बैटरी से अटैच करना है खाली। इसको मैं जोड़ देता हूँ यहाँ पे माइनस और यहाँ प्लस वाला जोड़ देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमने इस प्रकार से जोड़ लिया है, ठीक है। ये प्लस और ये माइनस, ओके, ये माइनस हो गया, ये प्लस वाला हो गया। अब अभी हमें बस ये लगभग हो ही गया है और आपको बिल्कुल मैं चार्ज करके बताऊंगा बैटरी को। इस प्रकार से होगी बस, ये एक बार ये है ना, जो कि 220 वोल्ट एसी वाले वायर है ट्रांसफार्मर के, वो हमें यहाँ पे जोड़ लेना है। ये जो कि मैंने प्लग लिया है बिजली में लगाने के लिए, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको इसका यूज करके बताऊंगा, तो चलिए एक बार ये जो पावर प्लग ले लिया है मैंने, अब जो इसमें 220 वोल्ट आ रहे हैं यहाँ, तो अब मैं इसको लगा दूंगा यहाँ पे। देखिए ये लाइट जल गई है, ठीक है, और ये भी यहाँ 13.8 वोल्ट बैटरी को चार्ज करने के लिए और सफिशियंट एम्पियर आ रहे हैं। आपने देखा किस प्रकार से ये स्पार्किंग करता है अगर हम इनको टच करते हैं तो। तो दोस्तों बिल्कुल अब हम बैटरी को चार्ज करने के लिए तैयार हैं। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये मैंने एक पुरानी बैटरी ली है, इसको चार्ज करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको जो चार्ज करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि चार्ज होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो बस आपको मैं एक बार बता देता हूँ, यहाँ पे बिल्कुल आसान है दोस्तों, आप भी करके देख सकते हैं चाहे तो। ये देखिए यहाँ ये जो ये वाला जो बैटरी का टर्मिनल है, इसके माइनस वाला और ये वाले पे प्लस वाला लगा देना है, ठीक है। और बैटरी चार्जिंग पे है अभी, और दोस्तों ये एक यूपीएस की बैटरी है, तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे जो इसके एम्पियर है 7.2 एम्पियर की है ये 12 वोल्ट। तो दोस्तों इसी प्रकार की 12 वोल्ट की और भी जो बैटरी है आप आसानी से इस चार्जर के द्वारा चार्ज कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हमारे YouTube चैनल टेक्निकल सोगल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।